हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का अचार। उसके लिए सबसे पहले आपने अच्छे राम के आम कटवा के ले आने हैं और उसको धो के ऐसे छाया में सुखा लेना रात भर और तेल को गर्म करके ठंडा करके रख देना है। अगले दिन आपने सुबह कटे हुए आम में नमक 2 कड़छी और लाल मिर्ची 1 कड़छी, हल्दी भी 1 बड़ा कड़छी, धनिया मसाला ये सब डाल के, और आपने जो अचार का मसाला 5 किलो के हिसाब से मैं डाल रही हूँ तो वो आप मसाला आप किसी पंसारी की दुकान से ले आना। और मैंने उसको क्या किया, थोड़ा मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप कैसा टेस्ट खाना चाहते हैं। दरदरा पीसा हुआ थोड़ा जल्दी गल जाता है तो ये मैंने मिक्सी में इसको दरदरा पीस लिया है। अब मैं ये सारे मसाले मिक्स करने जा रही हूँ। कच्चा तेल आपने कभी भी अचार में नहीं डालना क्योंकि फिर उसकी स्मेल आती है अचार में। हमेशा गर्म करके ठंडा करके ही तेल को डालना है। अब आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, मैं इसको कलछी से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा मिर्ची लगता है, जलन होता है, तो इसको 5 मिनट लगते हैं मिक्स करने के लिए। अच्छी तरह इसको मसाले को आपने मिक्स कर लेना है। ऐसे आपको 5 किलो को रात में 2 बार आपको करना पड़ेगा सेम प्रोसीजर। सारा मसाला आपने मिक्सी वाला डाल देना है और तेल भी पूरा डाल देना है। इस तरह पूरा तेल में लिपटा होना चाहिए अचार। उसके बाद आपने मर्दबान में इसको डाल देना है। कुछ लोग धूप में रखते हैं तो धूप में रखने से जल्दी गल जाता है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। ऐसे आप डालोगे तो ये 2-3 दिन में खाने लायक हो जाएगा और साल भर ऐसे कच्चा ही रहेगा। तो गाइस डालिए और मुझे कमेंट में बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।